आप भी क्या सोचती होंगी, कैसे लोगों को मैंने अपनी चार दीवारी में जगह दे दी है, जो अपनी चादर की हिफाजत ही नहीं कर सकते। ये बच्चों की मनमानी आजकल के माहौल की वजह से है। ये जरूरी नहीं है कि तरबियत को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। ये तो आपका बड़ा पन है, फनारी बने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। नजमा बहन, खुद को संभाले। देखिए, निकाह काबिले इज्जत है। इससे पहले कि अरीबा कोई गलत कदम उठाती, शुक्र करें कि वो शहरान को मिल गई। शहरान ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो घबरा गई थी, वो डर गई थी कि उसकी शादी कहीं ऐसी जगह ना हो जाए जहां उसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए। आप उसकी माँ हैं, माफ कर दें उसे, प्लीज उससे नाराज ना हो। कभी कभी हमारे फैसले बच्चों के लिए दुख का बाइस बन जाते हैं। कुछ बच्चे तो इसका इजहार कर देते हैं और कुछ अजियत बर्दाश्त करते रहते हैं। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगी तो बच्चियों का क्या होगा? उन्हीं का तो ख्याल है हादिया बेगम, वरना ये सांसें कब की टूट चुकी होती, इस दुनिया से जा चुकी होती मैं। बेफिक्र हो जाएं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा।